डॉक्टर साहब नहीं है क्या? मैं ही डॉक्टर हूँ, आप आइए। सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी, बड़ी इमरजेंसी में आया तो कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर साहब ये एड्रेस बता देंगे किधर का है? अरे सॉरी 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 डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं भूल गया था। मैं एड्रेस बताने इधर बैठा हूँ क्या? अरे सॉरी डॉक्टर साहब, भूल गया था। अरे डॉक्टर साहब ये देखिए, दवाई मैंने शायद आप ही से लिखवाई थी एक महीना पहले। जी जी, ठीक है ना, पूरा कराची घूम के आ गया हूँ मैं, पर ये दवाई नहीं मिली। ये कौन सी दवाई लिख के दी आपने भाई? ये दवाई थोड़ी है, ये तो मेरे साइन है। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं साइन? मैं पूरा कराची घूम के आ गया, मतलब पता नहीं कौन सी डॉक्टर साहब ने दवाई लिख के दे दी है। तो डॉक्टर साहब बोले, ये बताएं कि आपको डॉक्टर किससे बनाया? गवर्नमेंट। अच्छा, कोई ऐसी दवाई मुझे लिख के दे कि मैं जब रात को सोऊं तो दिन का मजा आए। लिखना आता है आपको? जी जी, लिखना आता है, इसलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। मैट्रिक किया था आपने? नहीं। मैट्रिक नहीं किया, डॉक्टर किससे बना दिया आपको? क्या हो गया डॉक्टर साहब? अभी मैं एडमिशन ले रहा हूँ। आप ऐसा डॉक्टर से पंगा नहीं ले, डॉक्टर सही भी कर देता है और ऊपर भी पहुँचा देता है। बीपी चेक कर देते हैं डॉक्टर साहब, बात तो बताएं, आप बीपी चेक करते आपको कुछ होता तो नहीं है? मेरे को क्या होगा? नहीं, हम लोग तो बीपी देखते हैं तो बहुत कुछ होता है, पता नहीं वो क्या, वो कौन सा ऑपरेटर है। बीपी चेक करने से ब्लड प्रेशर पता चलता है, आपका ऊपर जा रहा है नीचे, आप जा क्या, क्या ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब डॉक्टर साहब समझा नहीं मैं आपकी बात को। ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी बात है, आपने 10 साल की उम्र में मेडिकल की डिग्री हासिल कर ली। उम्र तो आपकी 10 साल ही लग रही है। जी जी, मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, रूह मेरी इधर है, तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, है? डॉक्टर साहब सर्दी के हिसाब से कुछ लिखते हैं? दो स्वेटर है, दो जैकेट, हाँ, और दो चादर ले लेना, उसमें से एक एक आप लेना, एक एक मेरे को ले आना, ये ले। नेक्स्ट। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक हो? क्या हुआ आपको? खरीयत तबीयत ठीक है? क्या होगा डॉक्टर साहब, मलंग आदमी है, कुछ नहीं होता हमारे। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? ऐसी मैंने बोला डॉक्टर साहब, पारिक बैठे होंगे, थोड़ा सा पूछ लूँ। कुछ क्या पूछना है? असल में मेरे को शाह फैसल जाना था। तो फिर मैं क्या करूँ? आपने कुछ नहीं करना डॉक्टर साहब, मेरे को शाह फैसल जाना है। तो आप बाहर से बस में बैठे जाइए, और यहाँ क्या लेने आए? पूछ रहा था ये 1-12 जो चल रहा है चिंची, ये कहाँ जाता है? मुझे क्या मालूम, मैं तो यहाँ दवाई देता हूँ। आपको डॉक्टर किसने बनाया? यहाँ पर मेडिसिन देता हूँ, दवाई देता हूँ, पेशेंट देखता हूँ। छोड़ो यार, ये बता, अच्छा वो जो लाल वाली बस चलती है R2, वो कहाँ जाती है? मेडिसिन के बारे में पूछे, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप मेरे से बड़े हैं। अच्छा छोड़ो, W11 कहाँ जाती है? अबे भाई आप जाओ यार, आपको किसने डॉक्टर बना दिया? अरे भाई गवर्नमेंट ने बनाया, आप जाओ यहाँ से। आप कराची की बसों के बारे में नहीं पता, चिंची के बारे में नहीं पता? मेडिसिन का डिप्लोमा किया, बसों का थोड़ी मैंने किया कि कौन कहाँ जाती है। जाओ भाई आप, कराची के डॉक्टर हो आप, कहाँ के डॉक्टर हो? मनोड़े के डॉक्टर हो क्या? उधर जाते मेडिसिन के बारे में मैंने पढ़ा, ये थोड़ी है कि बसों के बारे में। आप जाइए प्लीज, जाओ। अबे कहाँ कहाँ तुझे नहीं ढूंढा, तू डॉक्टर साहब कोई बदतमीजी तो नहीं है? अरे बदतमीज इंसान है यार। अरे यार ये पागल है, कंडक्टर करता था पहले गाड़ियों में, उसके बाद से जो है ये दिमाग इसका फटक गया, इनको पता ही। चलो जाओ भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से मरीज आ जाते पागल। अभी आपको क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब वो थोड़ी सी अकल नहीं है उसको। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी। जी जी बोले। ये बताइए कलेक्टर और श्री जी ने कॉलोनी कौन सी गाड़ी जाती है? अबे भाई मैं एड्रेस थोड़ी बताता हूँ, आप उससे बड़े पागल तो आप लग रहे हो। जाओ भाई जाओ, सारे मर्द पागल आ रहे हैं, औरतें कोई नहीं आ रही, ना कोई लेडीज आ रही है, समझ नहीं आ रही कैसे ये। जब भी बोलूं सुबह से दिल क्यों नहीं लग रहा।